हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ बाप पीड़ा बहुत ही आसानी से और सिर्फ तीन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन को गरम कर लिया है और मैंने इसमें हाफ के जी मावा लिया है। मावा को हम थोड़ा सा तोड़ते हुए डाल लेंगे और फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए इसे हम भून लेंगे। मावा को आप जितना अच्छे से आप भूनेंगे, आपका जो पेड़ा है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आप उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं। तो हम इसे स्लो फ्लेम पे और बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप इस तरीके से दबाते हुए जब आप इसे भूनेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और अच्छी तरीके से भुनेगी। हमारा मावा जो है वो भून कर रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची को हमने क्रश कर डाल दिया है और इसे हम अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। आप इसे थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये आसानी से ठंडी हो जाएगी। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तो अब इसमें हम बूरा या फिर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ कप लिया है लेकिन इसे मैंने पूरा नहीं डाला है। ये आपके मिठास पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ी सी मीठी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें हाफ कप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ कप में भी थोड़ी सी बचा ली है और इसे डालकर हम अच्छे तरीके से मावा में इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप मावा गर्म हो और उसमें अगर आप चीनी ऐड करते हैं तो ये पतली हो जाएगी और फिर आपका जो पेड़ा है वो अच्छी तरीके से शेप नहीं लेगा। जब आप इसे पेड़े को बनाकर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये फैल सी जाएगी और प्रॉपर शेप नहीं लेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो आपका मावा ठंडी होनी चाहिए। और अब मैंने इसे हाथ से भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से दबाते हुए मिला लिया है और आइए अब हम इसे पेड़े का शेप दे दें। मैंने यहाँ पे एक स्कूप लिया है, एक कोई भी आप मेज़रमेंट के लिए एक चम्मच ले लें जिससे कि सारे पेड़े आपके एक जैसे बनकर तैयार हों। और इस तरीके से एक पोर्शन लेते हुए हम हाथ से इसे शेप दे देंगे। और इस तरीके से बीच में मैंने एक अंगूठे का निशान दे दिया है और उसके बीच में हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स भी डाली है। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो पेड़े का जो साँचा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ा बनाने के लिए। उससे बनाना थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन हम हाथों से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे गोल करते हुए पेड़े का शेप दे देंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप जब भी किसी पूजा के लिए आप प्रसाद बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। अभी बसंत पंचमी आने वाली है, सरस्वती पूजा आने वाला है तो आप उसमें इसे प्रसाद के रूप में बनाकर आप इसका भोग लगा सकते हैं। बस एक दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे शेप में बनकर तैयार होगा। मावा को भूनते वक्त हमें सावधानी बरतनी है कि हम लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे और जब हम चीनी ऐड कर रहे हों तो मावा अच्छे तरीके से ठंडी हो जानी चाहिए। है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।